क्वेश्चन फोर है व्हाट आर द सेल्स ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं फॉर द सिक्रिटिंग हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमिटिंग सेल्स तो इनको हम लोग न्यूरोसिक्रुटरी सेल्स कहते हैं इनकी क्लासिकल एग्जाम्पल में जो है वो हाइपोथमिस है क्वेश्चन फाइव है नेम द हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिच्यूट ग्लैंड इंटीरियर पिच्यूट ग्लैंड आपको पता है ग्लैंड की थ्री लोब्स है तो जो इंटीरियर पिच्यूटेड ग्लैंड है उसको जो है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आता है फॉलिकल स्टीमोलेटिंग हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है एंड देन प्रोटीन और ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन आता है क्वेश्चन सिक्स है व्हाई एंटीरियर लोब ऑफ पिच्यूट ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड नंबर वन इसकी रीजन ये आप तो याद रखने बिकॉज इट इज डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड नंबर थ्री इसका जो नंबर ऑफ ग्लैंड्स है या नंबर ऑफ हार्मोन सबसे ज़्यादा होते हैं और इसके एक और बात आप तो याद रखनी है कि इसके जो ये हारमोन होते हैं वो फर्दर आगे ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहे होतेवन है डिस्क्राइब द मीडियन लोम ऑफ पिच्यूटी ग्लैंड मीडियन लोब जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है और इसके अंदर सिर्फ सब सेल्स होते हैं और इसमें जो होता है मिलेटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है जो कि मिलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा होता है क्वेश्चन एट है हाउ द सिक्रिएशन ऑफ ए डी एच इज कंट्रोल्ड सिक्रीशन ऑफ ए डी एच यानी कि एंटी डायरेटिक हारमोन जो है ये पोस्टीरियर ग्लैंड स्टोर करा होता है और ये जो होता है ये आपके नर्व इंपल्स हाइपोथर्मस पे क्योंकि हाइपोथर्मस थर्स कंट्रोल करा होता है और एंटी जूरेटिक हारमोन जो होता है ये आपके पानी की रिटेंशन को मेनटेन करता है सो दैट्स वाई हाइपोथर्मस इसकी जो होता है कंट्रोल करा होता है इसकी सिक्रीशन को डायरेक्टली क्वेश्चन नाइन जो है वो है राइट द डिफरेंसेस सो द फर्स्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ये दोनों हारमोन बनाते हैं लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर एक डक्ट होते हैं जिससे हार्मोन रिलीज करता है जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर देता है क्वेश्चन बी ऑप्शन है राइट द तो स्टीरोड हार्मोन एंड प्रोटेनिशियस हार्मोन स्टीरोइड हार्मोन वो होते हैं जो कि लिपिड से क्रिएट होते हैं और इनके जो कॉमन क्रिएटर है वो डेरिवेटिव है वो कोलेस्ट्रॉल है जबकि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो होता है, ये अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से क्रिएट हुए हुए होते हैं सी है हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर एंड सेकेंड मैसेंजर फर्स्ट मैसेंजर वो होता है जो कि डायरेक्टली हार्मोन को रिसीव करा होता है और सेकेंड मैसेंजर वो होता है जो कि फर्स्ट मैसेंजर के, फर्स के रिस्पॉन्स पे रेट ऑफ रे, रे रिएक्शन या रिएक्शन को क्रिएट करा होता है डी है हमारे पास रिसेप्टर ऑफ प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन प्रोटीनेशियस हार्मोन का रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है और वो सेल लिपिड बाइलेयर के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टीरॉइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और उसके साथ बाइंड किए बगैर स्टीरॉयड हार्मोन जो होता है वो अपना रिएक्शन या अपना काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता फिर हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज़म हाइपोमीस केस में थायराइड की जो हार्मोन की सिक्रेशन है वो कम होगी और उससे अगर बच्चे होंगे तो उनमें क्रेटनिजम अगर एडल्ट होंगे तो आपकी मैग्जीडीमा हो जाएगा फिर हाइपर थायरॉइडिज़म के अंदर आपकी जो कंडीशन होगी उसको हम लोग ग्रेव डिजीज़ कहेंगे फिर हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन कैलसीटोनिन एंड पैराथॉर्मोन कैलसीटोनिन ये वो हार्मोन होता है जो कि थायराइड लैंड रिलीज़ करा होता है जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाते हैं जबकि पैराथॉर्मोन वो हार्मोन होता है जो कि उस टाइम रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाए बीटा एंड अल्फ़ा सेल्स ऑफ द आइल्स ऑफ लैंग्री हॉन्स आयल्स ऑफ लैंग्री हॉन्स के जो बीटा सेल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं और ये इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं ये ग्लूकान की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एंड दे आर स्मॉलर इन नंबर फिर इसके बाद इंसुलिन एंड ग्लूकाकॉन इंसुलिन उस टाइम प्रोड्यूस होता है जब ब्लड पर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोन उस टाइम रिलीज़ होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है और अल्फ़ा सेल्स जो है वो ग्लूकागन की रिलीज़ करवा रहे होते हैं देन डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मिलइटस डायबिटीज मिलाइटस के अंदर उस टाइम होता है जो कि आपकी इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए जब इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो उस जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़ मिलइटस होती है डायबिटीज़ इंसिपिटस उस टाइम होते हैं जब आपके वैसोप्रेसिन या एंटीजूरेटिक हार्मोन जो होता है वो कम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है उसके ज़्यादा रिलीज़ होने डायबिटीज़ इंसिपिडस उस टाइम कॉज होते हैं जब आपका जो है एंटीजूरेटिक हार्मोन वो कम रिलीज़ होता है या आपका ब्रेन और किडनी की डिजीज होती है और उसकी वजह से आपकी जो यूरिन होता है उसके अंदर वाटर की एब्जॉर्बशन नहीं हो रही होती दैन वी हैव एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिंग एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो कि ग्रेफिन फॉलिकल रिलीज़ कर रहा होता है ये आपका जो होता है वो एग की रिलीज़ करवा रहा होता है प्लस आपके फीमेल के अंदर सेकेंडरी करेक्टर्स क्रिएट कर रहा है प्रोजेस्टरॉन उस टाइम रिलीज होता है जबकि एग रिलीज़ हो चुका होता है और ग्रेफिन फॉलिकल से जब एग रिलीज होता है तो वो जो स्ट्रक्चर अटेन करता है उसको हम लोग कॉर्फ लेटिनम कहते हैं ये जो होता है ये आपके दूसरे फॉलिकल्स को राइटिंग से मना कर देता है और फिर आपके पास रूट्रेस वॉयल जो होता है उसको थिक करा होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक वो होता है जो कि स्टिमुलस को इन्हेंस करा होता है और नेगेटिव फीडबैक वो होता है जो कि स्टिमुलस को स्टॉप करा होता है या उसके अगेंस्ट होता है तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट आंसर्स जो है वो सारे कंप्लीट हो